द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रदीक्षा विश्वविद्यालय मिडी की प्रभात प्रार्थना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए परमेश्वर के वचन मनन करके हमारे आज का दिन शुरू करेंगे, क्योंकि हर एक दिन एक नया शुरुआत है। आमीन। आइए पवित्र वचन में पत्रस की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 15वां पद आयत, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:15 लिखा है पवित्र बाइबल में, पर जैसा तुम्हारा बुलाना वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अच्छा वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है हमारे हर एक चाल चलन में हम पवित्र बने। क्यों हम पवित्र बनना है? अगला पद में लिखा है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है इसलिए परमेश्वर की संतान पवित्रता में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्रता की ओर से बुलाया गया है। आमीन। हालेलुया। अच्छे वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वचन की सफलता हम सभी को जीवन में अनुभव करने पाए। इस वचन के अनुसार पवित्रता में हम हर दिन हम आगे बढ़ने पाए। देखिए उसका 14वां पद में लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जब हम मसीह में नहीं था, परमेश्वर का ग्रहण करने से पहले हमारी अज्ञानता का समय में हम दुनिया की अभिलाषा के अनुसार, शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलते रहता था। लेकिन वचन में लिखा है ऐसे नहीं है। वचन में लिखा है जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। पुराना मनुष्य तो बीत गया है, पुराना मनुष्य बीत गया है। पुराना मनुष्य को हमने उसकी हर एक अभिलाषाओं का अनुसार हमने उतार दिया है। मसीह हम पर रहता है। वचन में इसलिए लिखा है हर एक चाल चलन में। कैसे हर एक चाल चलन में हम पवित्र बन सकता है? जब हमारी सोच विचार में हम पवित्र होना है, हमारी नज़र में हम पवित्र होना है, हमारी हर एक चाल चलन में हम पवित्र होना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है। प्रिय हो, मसीही जिंदगी क्रिश्चियनिटी की बेसिक पवित्रता है। हमारी पवित्रता में हम आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने बोला है प्रभु परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर की संतान भी पवित्र होना जरूरी है। पवित्रता में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हर एक व्यक्ति को मदद करे परमेश्वर। आज का दिन प्रभु जी इस वचन मनन करने के लिए आपने मदद किया। हर एक व्यक्ति प्रभु जी इस वचन के अनुसार हर एक समय पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मदद करे प्रभु जी, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रार्थना के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।